देखो जी, अगर आप भी मेरी तरह वहमी है ना, और आपको भी एकदम परफेक्टली साफ पैन चाहिए काम करने के लिए, तो कुकिंग शुरू करने से पहले बस ये काम कर लिया करिए एक बार कि अपने पैन के अंदर पानी खौला लिया करिए, है? तो जो थोड़ा बहुत फैट वगैरह लगा रह जाता है ना साइड में, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, पैन एकदम चमक जाएगा। कई बार वो जो हम लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उसकी स्मेल रह जाती है, वो सब निकल जाएगी। खाना बनाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, जैसे मैं हो चुका हूँ। लेकिन मिलते हैं वो उस पार, स्किप नहीं करना, पूरा इंट्रो देखना है। कॉलिंग एंड एक्शन। ओके, चलो धुआं हुआ करके हम सुबह सुबह हो गए जी रेडी हैं। तो बनाना क्या है? बनाना आप सबने वो सब पढ़ लिया, मैं फिर भी ड्रामा कर रहा हूँ कि जी नमस्कार, मैं रणवीर ब्रा, आज हम बनाने जा रहे हैं शाकशुका। हैं शाकशुका बेसिकली मतलब होता है अगड़म बगड़म, जूश अगड़म बगड़म को शाकशुका कहते हैं। बड़ी लंबी कहानी है, कहानी मैं वो वहाँ पर सुना दूंगा आपको, अलग से बैठ के शांतिपूर्वक खाना बनाते हैं फिलहाल। तो शाकशुका बनाने के लिए तीन मेन चीजें जो हैं वो हैं, एक, दो और तीन, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। अब चाहे रेड येलो बेल पेपर यूज कर लें, फैंसी फैंसी बेल पेपर जितनी मर्जी यूज कर लें, लेकिन जो हमारे हरे बेल पेपर में टेक्सचर और क्रंच आता है ना, उसका मुकाबला नहीं है। तो इसके लिए मैं ग्रीन बेल पेपर यूज करूंगा जी। आप चाहें तो फैंसी शमैंसी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फ़ोन मैं साइड में रख देता हूँ अपना, फ़ोन मैं बाहर ही भूल गया था। अच्छा, बहुत सारे तरीके हैं प्याज को काटने के। आप चाहें तो स्लाइस भी कर सकते हैं, डाइस भी कर सकते हैं। मैं बारीक बारीक स्लाइस इसलिए करता हूँ बिकॉज जो इंडियन वर्जन है ना, उसमें ये कट जो है बेटर जाता है, ठीक है? क्योंकि हमको स्लाइस अनियन की आदत है, हमको अनियन का वो जो लंबा सा लच्छे वाला टेक्सचर होता है ना नूडल जैसा, वो अच्छा लगता है। बाकी सब्जियां मैं डाइस ही करूँगा, ठीक है जी? पर वो हमको तड़का लगाने की आदत है ना, तो इसलिए स्लाइस करके रख लिया पहले। शाक्शुका मतलब होता है गिजर बिजर, मिक्स मैश। और शाक्शुका के जरिए दो बहुत बड़ी कम्युनिटीज के माइग्रेशन की कहानी आप देख सकते हैं, शाक्शुका और अंडों के जरिए। अब जैसे शाक्शुका हालांकि नॉर्थ अफ्रीकन माना जाता है, मोरक्को का माना जाता है और ट्यूनिशिया का माना जाता है, वहां से जब जूज गए, से जूज इसराइल गए, तो अपने साथ वो शाक्शुका ले गए। और आज की डेट में ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि शाक्शुका इसराइल का है, यानी कि द वन हु कैरीड द डिश ओन्स द डिश। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो अलग अलग जगह पे शाक्शुका में अलग अलग चीजें पड़ती हैं। टर्की में कई जगह में शाक्शुका में आर्टिचोक्स पड़ते हैं, मोरक्को में कई जगह पे लोकल वेजिटेबल्स पड़ती हैं, कई जगह पे शाक्शुका में स्पिनच पड़ता है, ट्यूनिशिया में जुकीनी पड़ती है, कुरजेट पड़ते हैं, कई जगह गोट चीज़ पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसी पक्की रेसिपी है शाक्शुका की, इसलिए मैं इसको बिंदास देसीफाई कर रहा हूँ, ठीक है? ब्राउन नहीं करना गार्लिक, मैं तड़का लगाना है पर तड़का नहीं लगाना, ठीक है? ठीक है, रणवीर कंफ्यूज ही करता रहता है, तड़का लगाना है पर तड़का नहीं लगाना, ब्राउन करना है पर ब्राउन नहीं करना। टर्की में कई जगह लैम मिंस के साथ बनता है शाक्शुका, उसमें कीमा पड़ता है। स्पेन में खासतौर एंडलुजिया में, तो वहाँ पर मीट के साथ बनता है, सॉसेजेस के साथ भी बनता है। तो लाइक आई सेड, देयर इज नो डिफाइंड रेसिपी, नहीं जो ऐसे ही बनना है, है? जो भी बोलता है उसको बोल देना रणवीर ने बोला है कि जैसे मेरी मर्जी है मैं वैसे बनाऊंगा। देखिए, तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका वो ये है कि ऐसे एक बेस बन जाता है, यहाँ पर कैप्सिकम की मिठास, प्याज की मिठास, इसने एक बेस बनाया है, उसको हम टमाटर की खटास से बैलेंस करेंगे, साथ में स्पाइसेस की किक देंगे, दैट्स बेसिकली इट। और ऐसा नहीं है मतलब आधे स्पेन में पपरिका डालते हैं, तो ऐसा नहीं है मैं कुछ ऐसा डाल रहा हूँ जो नहीं पड़ता। तो अगर आप किसी भी अरब इन्फ्लुएंस्ड यूरोपियन कंट्री को देखेंगे या फिर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज को देखेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन आपको सब जगह मिलेगा, बिकॉज बेल पेपर्स मेडिटेरेनियन सी के अराउंड बहुत होता है, टोमेटोज बहुत होते हैं, स्वीट अनियंस बहुत होते हैं, तो इसलिए ये जो टोमेटो की खटास और बेल पेपर अनियन की मिठास को बैलेंस करने का फॉर्मूला है, इट्स वेरी वेरी अराउंड द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है जी? बता दिया मैंने सब, थोड़ा तो नहीं कुछ?
लो जी, मिर्च, नमक, और ये ट्रिक हर एक को नहीं बताते, थोड़ी सी शक्कर, अब यहां पर दो स्पाइस हैं, दो स्पाइस हैं जो इसके साथ बड़े अच्छे जाते हैं, एक तो थोड़ी सी दालचीनी, मतलब ऐसे इतनी सी चुटकी दालचीनी का पाउडर, और दूसरा नटमेग, नटमेग एंड सिनेमन इन शक्शुका इज लाइक नेक्स्ट लेवल, खासतौर अभी सर्दियों में। अभी इसका भरता नहीं बनाना, ठीक है, शक्शुका बनाना है, भरता नहीं बनाना, मतलब सब्जी में टेक्सचर रहना बहुत ज़रूरी है, खासतौर बेल पेपर में, और टोमेटो में एक हल्की सी रॉनेस और खटास रहनी बहुत ज़रूरी है, वरना सुबह का खाना नहीं होगा। सुबह के खाने में खास तौर से फ्रेशनेस होनी चाहिए, सुबह सुबह आप उठते हैं तो आपको फ्लेवर्स फ्रेश चाहिए ना, बस, तो इसीलिए डोंट ओवर कुक इट, स्पेशली द कैप्सिकम, लाइक दिस इज ऑलमोस्ट डन। लास्ट में एक ट्रिक और, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल में बनाएं, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल से फिनिश करें, जमीन और आसमान का फर्क आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी ऑलिव ऑयल नहीं है तो बनाना नहीं है। दूसरी, मुझे पता है कौन सी डिश याद आती है, देख के, वो सल्ली परिडू, पारसीज में एक मसाला सल्ली बनती है, उसके बीच में अंडे ड्रॉप करते हैं और उसको ऐसे ढक के पकाते हैं, ओहो, अगेन मे बी देर इज नो कनेक्शन बिटवीन द माइग्रेशन ऑफ जूज एंड द माइग्रेशन ऑफ पारसीज, बट थॉट प्रोसेस सेम है, मतलब नरिशिंग खाना बने, एक पॉट में बने, बड़े सारे लोगों के लिए एक साथ बने और जल्दी बने, और टेस्टी तो मतलब, तो सेम चीज़ है, मतलब आलू की सल्ली लेनी है, उसको ऐसे टॉस करना है मसाले में और उसमें बीच बीच में अंडे डाल देने, ढक के पका देना है। एक सिमिलर मास माइग्रेशन हिंदुस्तान को हुआ था जब पारसी हिंदुस्तान आए थे, और मजे की बात है कि वो भी एक सेम सी ही डिश बनाते हैं, सल्ली परेडू, और अंडे की वैल्यू इन दोनों कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अंडा जो है ना वो कैरी भी करता है और नरिशमेंट भी रहता है। वो छोड़िए, एक और बात बताता हूँ कि जो रूस्टर होता है, मुर्गा होता है, वो पारसीज के लिए भी सेक्रेड है और जूज के लिए भी सेक्रेड। पारसीज कभी भी मुर्गे का मीट नहीं खाएंगे, उनके लिए सेक्रेड है, उसकी पूजा होती है। अब मुर्गे की वजह से फ्लॉक होता है, साइंटिफिकली अगर मुर्गा नहीं होगा तो फ्लॉक नहीं होगा, अंडे नहीं होंगे। और अगर जूस को भी देखें तो जूस में भी एक रस्म है कि मुर्गे को आपके सर से तीन बार वारा जाता है, जैसे हम पैसे वारते हैं ना, मुर्गे को तीन बार वार के दान कर दिया जाता है, तो कहता है कि आपकी बला टली, यानी कि जब माइग्रेशंस होते थे उसमें खाने के नरिशमेंट का और ऐसी चीज़ों का जो आपके साथ कैरी हो जाए, इनकॉर्पोरेशन हो जाता था कल्चर में, बिलीफ में, ताकि वो खाना चलता रहे, वो नरिशमेंट चलती रहे, वो रिवाज चलते रहें, और वो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स नरिशमेंट चलती रहे। टू डिफरेंट कम्युनिटीज, पैरेलल स्टोरीज थ्रू शक्शुका। मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बात में बिलीव करता हूँ, ये जितनी डिशेज होती है ना, जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो अंडा ऑटोमेटिकली फेमस हो जाता है, हाँ, चाहे पारसी हिंदुस्तान आए, देखिए हर चीज़ में अंडा, और चाहे जूस जो है वो मिडिल ईस्ट से कहीं भी जाएं, हर चीज़ में अंडा। अब भी अपने को बनानी है इसमें पॉकेट्स, ये देखिए, एक पॉकेट, दो पॉकेट, और ये तीन पॉकेट। अब इस पॉकेट में हम अंडा डाल के उसको पका लेंगे जी, पोच कर लेंगे, पका लेंगे, आप जो मर्जी कह लीजिए, ठीक है, इसकी पॉकेट ऑलरेडी बनी हुई है। अभी ये जो चीट है, हर एक को नहीं बताते, ये चुपचाप जो है नीचे थोड़ा सा डाल दो चीज़, उसके बाद जगह बनाओ, ते अंडे पाओ, अंडे पा दो जी, प्यार एकदम मोहब्बत वाला काम है ये, यहाँ पे कोई जल्दी नहीं करनी। अच्छा, कई जगह पे इसको भुर्जी की तरह भी बनाते हैं, मतलब ऐसे अंडा डाला और अंडे को सब मिला दिया उसको, हाँ, स्क्रैम्बल कर दिया बेल पेपर्स के साथ, अनियंस के साथ, तो अगर आप डाल रहे हो और अंडा टूट गया तो ऐसे कोई हंगामा बरपा नहीं होना चाहिए, बिकॉज लूज जो रेसिपीज़ होती है ना, वो रेसिपी जिसका हर कोई अपना एक इंटरप्रिटेशन बनाता है, कम्फर्ट रेसिपीज़ जो होती हैं वो सुबह के नाश्ते के लिए परफेक्ट होती हैं, क्योंकि नाश्ते का टाइम गिल्टी फील करने का टाइम नहीं होता कि मेरा अंडा टूट गया, फ्रेश चीजें खा के एंजॉय करने का टाइम होगा, ठीक है पहले अब ठीक, अंडा टूट गया तो कोई बुरा मत मानना। जैसा मैंने कहा था, ऑलिव ऑयल फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए अच्छा होता है। तो जी यही है बस शक्शुका की जो कहानी, स्टोरी, इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारी यही है ना।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके ऊपर फ्रेश गार्निश जरूर डालिएगा, हाँ, धनिया, और अगर हरा प्याज नहीं है तो नो प्रॉब्लम, प्याज लेके चॉप कर लीजिए, चॉप करने के बाद उसके अंदर लेमन जूस डाल लीजिए, वो सब डालने के बाद जब आप टेस्ट करेंगे ना तब असली शाक्शुका का टेस्ट आएगा, वरना एक्चुअली में आप बनाएंगे शाक्शुका, लोग बोलेंगे ये है खड़ी पाव भाजी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था जी, उसके ऊपर डालने हैं वो सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लास्ट में। अभी लोग बोलेंगे वो तो पाव भाजी में भी डालते हैं कांदा कोथमीर, तो फिर ये तो वही हो गया। नहीं नहीं, ये मतलब चीज़ टेस्टी है, बनाइएगा जरूर, संडे को सारे परिवार के साथ जो ऐसे मिल बैठ के खाने का मज़ा है ना, कुछ और ही है कि नहीं। और हाँ, जो बोल रहा है कि हम अंडे नहीं खाते, पनीर डाल देना, कोई बात नहीं, बनाना ज़रूर, और नीचे कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर सबको कैसा लगा, और लाइक ऐसे साथ मिलके बनाने का, साथ मिलके खाने का अपना ही मज़ा है। कीप कुकिंग, कीप एंजॉयिंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थैंक यू। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।